दोस्तों, अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो सरकार की तरफ से एक नई योजना चलाई जा रही है, जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको महीने के 3,000 रुपए मिलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस किस को 3,000 रुपए महीने के मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने में। सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अगर आप एक नए व्यूअर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहां पर सर्च करना है ई श्रम। जैसे ही आप ई श्रम लिखकर सर्च करते हैं, यहां पर ishram.gov.in की वेबसाइट आ जाती है, जिसे आपको ओपन कर लेना है। इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे, आप ई श्रम कार्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों साइड में लिखा गया है फॉर पेंशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ, यानी कि हर महीना 3,000 रुपये पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करना है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर नीचे ही ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आप एक नए पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, इस योजना का जो नाम है वो है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। ठीक है, ये इस योजना का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो आयु रखी गई है, 18 से 40 वर्ष के लोग जो है इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो 15,000 रुपये तक होनी चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब दोस्तों एलिजिबिलिटी में बताया गया है। उसके बाद आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या लाभ मिलेंगे, वो भी यहाँ पर बताया गया है कि आपको 3,000 रुपये की मतलब कि महीने की इनकम मिलेगी, एक या फिर इसे आप पेंशन कह सकते हो, पेंशन मिलेगी हर महीने आपको 3,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों डिटेल्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस योजना की पूरी डिटेल के ऊपर आ जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो बताया गया है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन इस योजना के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इस योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए या फिर जनधन बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये दो बैंक अकाउंट में से कोई भी एक अकाउंट होना चाहिए, और जो IFSC नंबर होता है वो भी। तो ये दो चीज़ें आपको बस चाहिए, आधार कार्ड और एक सेविंग बैंक अकाउंट, ये दो चीज़ है तो आप इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। फीचर्स में आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पर दोस्तों आपको 3,000 रुपये की मंथली जो है पेंशन मिलेगी सरकार की तरफ से, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट्स का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं कि अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं लेकिन आपकी डेथ हो जाती है तो ऐसे में दोस्तों इस योजना का जो पैसा है वो आपकी फैमिली को भी दिया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी कटौती की जाएगी, यानी कि 50% ही आपकी फैमिली को दिया जाएगा। यानी कि आपको 3,000 महीने के मिल रहे थे तो आपकी फैमिली को 1,500 मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात यह है कि आपकी फैमिली को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये साफ साफ पॉइंट जो है मेंशन किया हुआ है, आप इसे आकर रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एंट्री एज स्पेसिफिक मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है कि आपको मंथली कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 60 साल की उम्र तक यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹55 यहाँ पर देना होगा मंथली, आप यहाँ पर देख लीजिए। एंड वही दोस्तों जितना आप देंगे उतना गवर्नमेंट भी देगी ₹55, एंड दोनों का जो अमाउंट है वो आपके नाम से जमा किया जाएगा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं टोटल 110 हो जाएंगे जो जमा किया जाएगा। 19 साल की एज हो जाएगी तो आपको यहाँ पर ₹58 देना होगा, और ₹58 दोस्तों सरकार भी देगी, यहाँ पर आप देख लीजिए, और सभी के सभी जो पैसे हैं उसे इकट्ठा करके जमा किया जाएगा। ऐसे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दोस्तों ये जो अमाउंट है ये भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा, और ये आपको 60 साल की एज तक जमा करना है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप खुद देख सकते हैं।
ऐसे दोस्तों अगर आपकी एज 38 साल हो जाती है, 39 साल हो जाती है, 40 साल हो जाती है, तो ऐसे में ये जो अमाउंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 38 साल हो जाती है तो 180 रुपये आप देंगे, 180 गवर्नमेंट देगी, टोटल अमाउंट यहाँ पर जो है जमा किया जाएगा। एंड ऐसी 39 साल 40 साल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर 40 साल में 200 रुपये देना होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 साल तक ही आपको ये पैसे जमा करना है। उसके बाद 60 साल की एज के बाद दोस्तों गवर्नमेंट आपको पेंशन देना शुरू कर देगी, जितना भी आपका मतलब कि पैसा होगा उससे मैटर नहीं करता, आपको महीने के 3000 रुपये जो है मिलेंगे सरकार की तरफ से, समझ गए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, जो पैसे हैं वो जमा करना पड़ेगा। अब इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। इस योजना को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर अलग अलग स्टेप बताए गए हैं। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए स्टेप वन में साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि आपको अपने नियरेस्ट CSC सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है, CSC सेंटर से ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, घर बैठे ये आवेदन नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर CSC सेंटर के बारे में बताया गया है, CSC सेंटर जाके आपको इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। स्टेप टू में आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है, उसके बाद एक सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल, या फिर आपके पास अगर जनधन खाता है तो उसकी डिटेल आपको लेके जानी है, जिसमें आपको IFSC कोड जरूर लेकर जाना है, ठीक है, IFSC कोड ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप अपना पासबुक लेके जा सकते हैं, या फिर कैंसल्ड चेकबुक ले जा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे दोस्तों आप ये सभी डॉक्यूमेंट लेके अपने CSC सेंटर जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपका इस योजना के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसे कर दिया जाएगा, एंड उसके बाद दोस्तों आपका जो ये बोल सकते हो इस योजना का एक्टिवेशन है वो हो जाएगा। फिर हर महीने आपका जो पैसा है वो आपके खाते से कट होगा, मतलब कि 55 या फिर 58 रुपीज़ जो भी रहेगा आपकी एज के हिसाब से कट होगा, एंड उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी देगी, फिर दोनों का जो पैसा होगा उसे इकट्ठा किया जाएगा। फिर जैसे ही आपकी एज 60 साल से ऊपर हो जाती है फिर दोस्तों आपको जो है पेंशन देना शुरू कर देगी सरकार, यानी कि हर महीने का 3000 रुपये आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा जब आप इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको 60 साल के बाद 3000 रुपये की जो है महीने की पेंशन मिलेगी। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी सबसे पहली वीडियोज आप देख पाएं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।